हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। गायब हो गई थी बीच में, मुझे लग रहा है 15 दिन शायद गायब रही हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी। तबीयत का कोई इशू नहीं था, किसी और चीज़ों में लगी थी, कुछ चीज़ों की प्लानिंग करने में लगी हुई थी। तो वैसे मैंने वीडियो बनाया था 15 दिन पहले, सैटरडे को वीडियो स्टार्ट किया था, एंड भी किया ही था, रात तक वीडियो बनाया था, लेकिन वो मैंने डाला नहीं क्योंकि वॉइस ओवर भी नहीं हो पाया, मैं बिजी थी किन चीज़ों में। तो पहले आप वो देख कर आइए, फिर मैं आपको बताती हूँ टाइटल में आपने जो देखा वो किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है, किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो पहले आप वो देखिए कि मैंने 15 दिन पहले क्या बनाया था, क्या किया था, फिर मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है और शायद रात भर से ही हो रही है। बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ही औसम मौसम हो गया है, अब ये नहीं पता कितनी देर रहेगा, हो सकता है दिन में धूप आ जाए और सारा काम खराब हो जाए, लेकिन अभी के लिए अच्छा है और ये दोनों भी मजे ले रहे हैं। काबू काबू गुड मॉर्निंग कह रहा है आज। काबू काबू, मौसम अच्छा हो तो काबू दिन भर मस्ती करता है, नहीं तो काबू दिन भर सोता है। क्या हुआ, कैमरा शाही हो रहे हो तुम? काबू 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 आजा। हाँ टुनु टुनु। रिहाना आएगी नहीं आज, तो मैं सोच रही हूँ नाश्ते में कुछ डिफरेंट कर लूँ। स्पेनिश ऑमलेट, स्पेनिश तरीके से 50-50 और फ्रेंच टोस्ट सोचा है। अभी देखती हूँ मैं क्या बना पाती हूँ और क्या छोड़ देती हूँ। भूख लग रही है ना, बस बन रहा है। स्प्रिंग ऑनियन और कैप्सिकम है नहीं मेरे पास, तो मैं वो डाल नहीं रही हूँ, डाल पा नहीं रही हूँ। बाकी तैयारी कर रही हूँ, ये सारी चीजें काट के रखी हैं। और हाँ, सिनेमन पाउडर बनाना था लेकिन ये जितना कूट के हो पाया, पाउडर वैसे ज्यादा खत्म था, कम बनाया मैंने, तो अब जितना भी ये हुआ है मैनेज करेंगे इसको। फिर से बोलूं, आप बना क्या? स्पेनिश ऑमलेट विद फ्रेंच टोस्ट और चाय। जल्दी आओ ब्रश करके। सबसे पहले मैं शक्कर को पीस रही हूँ। इसको पीसने से काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है, वरना वैसे अगर इसको फेंटने गए अंडों के साथ तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हो तो जाता है लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस शक्कर डालिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें, जितना मीठा चाहिए हो अंडे डालें, सिनेमन पाउडर डालें, थोड़ा सा पिंच मतलब बिल्कुल ही पिंच वाला नमक डाला है यहाँ पर, और वेनीला एसेंस डाला है, और सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी में ही घुमाया है। तो इस तरीके से काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो ये बस बाउल में डाल कर ये मैं साइड में रख दूँगी, और फिर दूसरी तैयारी करनी है ऑमलेट के लिए। तो उस जार को मैंने धोया और फिर उसमें डाला है अंडे और नमक डाल लिया है। इसको मैंने मिक्सी में घुमाया है इसलिए कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी सा बन जाए, और ये बिल्कुल इस तरीके का ना जब तक नहीं हो जाता, काफ़ी देर घुमाना है, मतलब
मैंने कम से कम 8 से 10 मिनट मिक्सी में घुमाया था इसको, तो ये बिल्कुल इस तरीके का हो जाता है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा। तो अंडा जो है वो काफ़ी फ्लफ़ी बनता है। स्पेनिश मैं बोल रही हूँ लेकिन ये प्रॉपर स्पेनिश ऑमलेट नहीं है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और पड़ती हैं, तरीका थोड़ा सा और डिफरेंट होता है। हमारे घर में प्रॉब्लम है सबकी, कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता, तो फिर किसी का मूड आज ख़राब ना हो, छुट्टी का दिन है, तो सेफर साइड, इसलिए मैंने बोला 50-50 तरीका वैसे ही लिया है मैंने, वैसे ही फ्लफ़ी बनता है स्पेनिश ऑमलेट भी। चीज़ें अपनी देसी तरीके से डाली हैं मैंने इसमें, वही जो ऑमलेट में आमतौर पे हम सारे डालते हैं, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और ये सारी चीज़ें। और ये मैं कैमरे के सामने इसको पलटने का ट्राई कर रही थी, वन गो में पलट जाए, और ये मैं कामयाब हो गई थी। इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका होता है सब्ज़ियाँ और उसकी वजह से, और खैर पलट गया था एक बार में, मज़ा आ गया। तो ये देखें इसका फाइनल लुक इस तरीके का है, और ये काफ़ी, अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन ये काफ़ी थिक था, फ्लफ़ी बना था। और अब मैं इसी तवे में ही मैंने थोड़ा सा बटर डाल लिया है और ब्रेड ले रही हूँ, ब्रेड को उसमें डिप करना है और बस आगे पीछे करके इसको भी सेक देंगे। और बढ़िया सा नाश्ता जो है, थोड़ा सा बच्चों को, सबको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया, और ऐसी कोई ख़ास मेहनत भी नहीं होती है, बस थोड़ा सा पहले से सोचने की बात होती है और थोड़ी सी तैयारी की बात होती है, बाकी तो ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। और साथ में मौसम अच्छा है तो चाय तो फिर मैंडेटरी हो ही जाती है, तो वो तो बन ही रही होगी बाय डिफ़ॉल्ट। साइड में अगर मौसम ऐसा है ना, साइड में चाय तो फिर वो चढ़ी ही होगी। तो बस ये दोनों चीज़ें बन गई हैं, इसके बाद मैं तैयारी करूँगी और सारा नाश्ता आज मैंने सोचा थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करा जाए, और मौसम अच्छा हो तो सारा कुछ ही अच्छा लगता है, और गर्मी हो, ह्यूमिडिटी हो, तो फिर किसी चीज़ का मन नहीं होता, लगता है बस सारे अपनी अपनी प्लेटों में नाश्ता लो और बस बैठ लो, कुछ सजावट का या बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेजेंटेशन का मन नहीं करता है ह्यूमिडिटी की वजह से। गर्मी नहीं, ह्यूमिडिटी ना मुझे ज़्यादा परेशान करती है, सबके साथ होता होगा आई थिंक। ह्यूमिडिटी में तो सबको ऐसा लगता है कि बिल्कुल काम करने का भी मन नहीं हो रहा, शॉर्टकट में चीज़ें हो जाएं, जल्दी हो जाएं, हम लोग वो सोचते हैं कि कौन सा खाना शॉर्टकट में बन जाएगा, कौन सा जल्दी बन जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये है फाइनल लुक, और ये अब ना शाम का टाइम था और मैच आ रहा था उस दिन, तो ये लोग सारे मैच देखने में लगे हुए थे, तो मैं स्नैक्स में बना रही थी ये आलू फ्राई। ये मैंने रमज़ानों के टाइम पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया था इसकी रेसिपी, तो ये फ्राई करे हुए थे और कुछ नहीं है, उबालना है इसको और बस फ्राई कर लेना है, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और नमक डाल देना है, और बहुत ही अमेजिंग होते हैं ये। और हाँ, थोड़ा फ्राई करने में ज़रूर टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन हाँ वर्थ वेटिंग टाइप चीज़ है ये। और डिनर में मैंने बनाया था आलू गोश्त, तो आलू गोश्त भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी हुई है ऑलरेडी, इसलिए मैंने ऐसी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो बस ये था हमारा डिनर, इसी के साथ हमारा छुट्टी वाला दिन जो है वो ख़त्म हो गया था। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि ज़िंदगी के सलीके मैंने लिखा हुआ है, तो ये एक टाइप ऑफ सीरीज़ जैसा कुछ समझ लें वैसा होगा, ये मेरे दिमाग में आया। जैसे बच्चों से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रही थी काफ़ी टाइम से, स्टार्टिंग की वीडियो मैंने प्रेगनेंसी से स्टार्ट करी थी, फिर छोटे बच्चों से लेके कुछ महीने से कुछ सालों तक वो मैंने बनाई हुई है। तो अब जैसे एक टाइम पे आके 10-12 साल के बच्चे हो गए, उसके बाद मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में एडल्ट में शामिल हो गए हैं, तो डायरेक्ट उनसे ही जो है वो अब बात करनी सही होगी। जितनी पेरेंटिंग टिप्स थी जो मैंने पेरेंट्स को देनी चाहिए वो मैं उन पर वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जैसे जो मैं रोज़मर्रा में हमारी लाइफ में होते ही हैं, और जो बड़ों के भी काम की बातें होंगी और बच्चों के तो डेफिनेटली होंगी। कुछ चीज़ें बच्चों को अभी समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें बच्चों को अभी नहीं समझ में आएंगी। ये मेरे दिमाग में आया था कि जब मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो क्यों ना मेरे बच्चे उसका फ़ायदा उठाएं। और आगे जाके बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम बोलते नहीं हैं,
हालांकि बच्चे हमारे साथ जब रह रहे हैं, हमारी चीज़ों को देख रहे हैं, वो ग्रास्प वही चीज़ें करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हम उनको शो नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सब्र जैसी चीज़ें जो होती हैं, हम कौन कौन से उसमें हम सब्र कर रहे हैं, हम किस तरीके से, तो वो चीज़ें कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगी अपने बच्चों को। मैंने जैसा बोला कि मैं चाहती हूँ कि वो अभी शायद उनको समझ में ना आए, छोटे हैं, लेकिन कभी आगे जाके वीडियोस देखेंगे, उनके बच्चे कभी वीडियोस देखेंगे, कुछ मेरी बातें जो मैं अपनी जनरेशन में डालना चाहती हूँ वो उस तरीके की बातें होंगी। फिर मुझे दिमाग में आया कुछ मेरे घर के बच्चे, कुछ फ्रेंड्स के बच्चे भी मेरे व्लॉग देखते हैं और बहुत खुशी से देखते हैं, वेट करते हैं व्लॉग का, मेरी बातों को सुनते हैं। मेरी फ्रेंड्स के कुछ बच्चे हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं और बहुत गौर करके सुनते हैं कि आंटी ने ऐसा बोला था, और कुछ तो मुझे वो भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि आंटी हमने इस बात पे ऐसा क्यों बोला था। तो ऐसे भी बच्चे हैं, तो बहुत सारे फिर मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरा वीडियोज़ देखते हैं, तो अगर मेरी बातें बच्चों तक डायरेक्टली पहुँचें, क्योंकि पेरेंटिंग टिप्स तो काफ़ी हो गई हैं और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे मैंने बोला, पावर ऑफ सब्र जो मेरा पहला वीडियो होगा इसके ऊपर, ज़िंदगी के सलीके के ऊपर, तो कुछ बातें हो सकता है बच्चों को अभी समझ में ना आए, लेकिन जब हम कोई चीज़ सुनते हैं वो कानों के ज़रिए ना वो दिमाग में रहती हैं, सबकॉन्शियसली रहती हैं दिमाग में, तो वो कहीं ना कहीं उनको लाइफ में डेफिनेटली फ़ायदा देंगी। तो हाथ हिल रहा है मेरा काफ़ी ज़्यादा आज, तो ये मेरी प्लानिंग थी जिसकी वजह से मैं गायब थी काफ़ी टाइम से। इसकी प्लानिंग कर रही थी मैं काफ़ी कि कैसे होंगे, कौन से वो वीडियोस होंगे। हाँ, और रही बात बच्चों से हटके हम बड़ों की बात करें तो बड़ों के भी काम आएंगी ऐसे मैं टॉपिक्स ले रही हूँ, क्योंकि अब ये ज़िंदगी से रिलेटेड टॉपिक होंगे, तो ये सलीके जैसे मैंने नाम रखा है, तो हर वो चीज़ मैं कवर करूँगी जो ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं हमारी। और आप लोगों के दिमाग में भी कोई टॉपिक आए कि इस पे हमें डिस्कस करना चाहिए, और ऐसा नहीं है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगता है बच्चों को ये सुनना चाहिए, आप उस तरीके से कमेंट्स करिएगा, बच्चे पढ़ेंगे उसको तो बच्चों के भी दिमाग में जाएगा, या बड़ों को ये बात पता होनी चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। तो इसके ज़रिए हमारी आपस में बातें होती रहेंगी, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ, और आप लोगों के पास बेटर उसके आइडियाज़ हों या कुछ हो तो वो आप सब मुझसे शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसका पहला वीडियो होगा जल्दी रिकॉर्ड करके और वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, कैसा लगा बताइएगा आप लोग। और बस इस चैट को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।